आज मैं बना रही हूँ हरी मिर्चों का पेस्ट, जो कि आम कुकिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मेरे पास छोटा चॉपर है, इसलिए मैं थोड़ी सी वक्फे वक्फे से ऐड करूँगी, और बड़ी मिर्चों को काट भी सकते हैं दो पीसीस में। पहले मैं हाफ क्वांटिटी को क्रश करूंगी, उसके बाद बाकी इसमें ऐड कर दूंगी। और ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता, बहुत जल्द बन जाती है। पहले चॉपिंग प्रोसेस में आती है, उसके बाद फिर पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेती है, लेकिन मुझे चॉपिंग चाहिए थी तो इसलिए मैंने सिर्फ इसको चॉप किया। आप चाहें तो इसको पेस्ट बना सकते हैं, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्लेंड करना है इसको। साइडों से रिमूव करते जाइएगा ताकि इवन चॉप हो जाए। दोबारा इसको मैं चलाऊंगी कुछ सेकंड्स के लिए। बहुत फाइन चॉपिंग हो गई है इसकी, और मज़ीद अगर आप 1 मिनट चलाएंगे तो ये पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और अभी इसमें मैं प्रिजर्वेटिव के तौर पे सॉल्ट यानी कि नमक डाल रही हूँ, वो भी 1/4 टीस्पून से भी बहुत कम। इसको मैं तकरीबन हफ्ता 10 दिन तक स्टोर कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छे से मिक्स कीजिएगा ताकि इवनली नमक अप्लाई हो जाए सारी मिर्चों पे। इसको जार में डाल के तो फ्रिज में रख देंगे, किसी भी प्लास्टिक या शीशे के जार में इसको स्टोर किया जा सकता है। और हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा टाइम मत दीजिए। उम्मीद है ये टिप आपको फ़ायदा देगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।